उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कानपुर के नौबस्ता चौराहे पर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का जोरदार स्वागत किया गया। और कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि सरकार ने 100 दिन के भीतर अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा करने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा के सुधार के लिए जरूरी कदम भी उठाए जाएंगे। और इसी दौरान बर्रा मंडल से सेक्टर संयोजक, सेक्टर प्रभारी, अनुसूचित मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, किसान मोर्चा, बर्रा मंडल अध्यक्ष संजय पासवान, धीरज कुमार, निराला नगर मंडल अध्यक्ष अखिलेश वाजपेयी समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे संकल्प पत्र में, जिसे राजनीतिक भाषा में घोषणा पत्र कहते हैं, उस संकल्प पत्र में छात्रों के हित के लिए, शिक्षकों के हित के लिए, शैक्षिक वातावरण के लिए और शिक्षा सुधार के लिए जिन बिंदुओं को लिखित किया है, उनके परिधि के अंतर्गत हम लोग 100 दिन का प्लान बना रहे हैं और उसमें काम करेंगे, क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, ये मानते हैं। कोई घोषणा पत्र नहीं, हमारा संकल्प पत्र। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।